नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन पेपर 3 के चैप्टर 5 जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उसके एक्सरसाइज 5C का सॉल्यूशन बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ 12C4 प्लस 12C3 इज। हमें क्या पता है फॉर्मूला NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 CR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका 12C4 प्लस 12C3। यहाँ देखिए R और R माइनस 1, 4 माइनस 1 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका एन प्लस 1 मीन्स 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13, और R क्या है मेरा 4, तो 13C4। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका 13 NCR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 और 9 फैक्टोरियल, 13 माइनस 4 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा आपका 4 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल बचा, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 और 3 कैंसिल हो गया, ये 5 दैट इज इक्वल टू 715। ओके, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 715। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एन पी आर इज इक्वल टू 336 एंड एन सी आर इज इक्वल टू 56, देन एन एंड आर विल बी। हमें क्या पता है एन पी आर बाई एन सी आर क्या होता है आपका आर फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ देखिए एन पी आर मीन्स 336 बाई 56 इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल, और 336 बाई 56 क्या होगा 6 इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल। 6 कब होता है आपका 3 फैक्टोरियल, 6 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल, तो आर मेरा क्या आ गया आर इज इक्वल टू 3। ओके, आर इज इक्वल टू 3, अब किसी में पुट कर देंगे हम लोग तो एन पी थ्री इज इक्वल टू 336। ओके, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336, ये क्या आ गया एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 336। अब 336 को आप क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6, तो n मेरा क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 8, तो क्या आ गया आपका 8 एंड 3, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक और चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे ये क्या है 3, एक ही ऑप्शन में है मेरे 3, तो डायरेक्टली उसका वैल्यू पुट करके देख लेना है कि आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो वहीं पे आंसर टिक करना है और आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इफ 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2 द वैल्यू ऑफ RC5 इज। ओके, हमें फॉर्मूला क्या पता है, जो फॉर्मूला यूज करना है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ओके, तो 18CR इज इक्वल टू 18 माइनस R दैट इज इक्वल टू 18C आर प्लस 2। ओके, आर प्लस 2, तो मेरा यहाँ क्या आ गया 18 माइनस आर इज इक्वल टू आर प्लस 2, तो 2R इज इक्वल टू 16, आर इज इक्वल टू 8। ओके, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है RC5 मीन्स 8C5 दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 भाई 3 इंटू 2 8 7 56, तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 56 एंड एन सी आर इज इक्वल टू 28 एंड एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 8 देन आर इज इक्वल टू। हमें देखिए फॉर्मूला क्या पता है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एन सी आर बाई एन सी आर 1 माइनस 1 एक बार कर लेंगे और एन सी आर प्लस 1 बाई एन सी आर एक बार निकाल लेंगे, तो दो इक्वेशंस आएंगे हमारे, उसको सॉल्व करके हम लोग आंसर लाएंगे। ओके, तो एन सी
आर माइनस वन बाई एन सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 56/28। ओके अब इसको करेंगे तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर माइनस वन है तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब एन सी आर को जब लिखेंगे हम लोग तो वो क्या हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल, क्योंकि डिवीजन में है डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा आपका जो उसके डिनोमिनेटर में आएगा तो r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके और ये 28 क्या हो गया आपका 2। ओके अब यहां देखिए n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया मेरा। अब यहां r फैक्टोरियल है r माइनस वन फैक्टोरियल है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके सिमिलरली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या बचा आपके पास n माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ क्या बचा आपके पास r माइनस वन फैक्टोरियल और ये किसके बराबर है 2। तो r माइनस वन फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया आपका। ओके तो आपके पास जो इक्वेशन आया तो इक्वेशन मेरा क्या आया 2n माइनस 2r प्लस 2 दैट इज इक्वल टू r, तो r तो 2n माइनस 3r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मेरा ये आ गया। नेक्स्ट हम लोग कर लेंगे एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 28/8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू डिनोमिनेटर में आपका n फैक्टोरियल रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल। ओके n फैक्टोरियल आपका क्या होगा कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास और यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो क्या होगा 7/2। यहाँ n माइनस आर फैक्टोरियल है और यहाँ n माइनस आर माइनस वन है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं r प्लस वन फैक्टोरियल को। वैसे ही n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं इंटू आर फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 7/2। तो आपका क्या क्या कैंसिल हो गया r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया n माइनस आर वन ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा अभी r प्लस वन बाई एन माइनस आर इज इक्वल टू 7/2 तो 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 7n माइनस 7r। ओके अब साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7n माइनस 9r ये 2r इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके ये मेरा आ गया इक्वेशन 1 और ये आ गया इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन वन में यहाँ देखिए माइनस 9r है और यहाँ माइनस 3r है जस्ट अब किसी एक को इक्विवेलेंट कर देते हैं तो इसमें इंटू हम लोग कर देंगे अभी 3 को। ठीक है फर्स्ट इक्वेशन में इंटू 3 की है। ओके तो क्या आ गया आपके पास 6n माइनस 9r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस सेकेंड इक्वेशन से इस थर्ड इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7n माइनस 6n क्या आ गया आपका n और 9 माइनस 9r प्लस 9r 0 और ये क्या आ गया माइनस 2 माइनस 6 ये क्या आ गया आपका माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 8। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है r का वैल्यू। ओके तो किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं तो 16 माइनस 3r प्लस 2 इज इक्वल टू 0 3r इज इक्वल टू 18 तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इन्वाइट वन और मोर ऑफ देम टू अ डिनर इज। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जिसमें वो एक या एक से अधिक किसी भी
यूज कर सकता है, मीन्स किसी भी तरह से इनवाइट कर सकता है या कोई भी काम कर सकता है, तो उस केस में जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है, 2 to the power n minus 1, इतने नंबर ऑफ वेज में वो किस उस काम को कर सकता है। तो यहाँ कितने फ्रेंड्स हैं उसके, 8, मीन्स n क्या हो गया 8, तो 2 to the power 8 minus 1, और 2 to the power 8 क्या होता है आपका 256 minus 1, दैट इज इक्वल टू 255। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन चूज वन और मोर ऑफ 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कूलर इज। अभी हमने क्या बताया कितने वेज में कर सकते हैं, यहाँ भी वन और मोर है, ठीक है, तो 2 to the power n minus 1, और n क्या है मेरे पास 4, तो 2 to the power 4 minus 1, दैट इज इक्वल टू 16 minus 1 15। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ NC10 इज इक्वल टू NC14 देन 25CN इज इक्वल टू, अभी हम लोग फार्मूला देखे थे कुछ देर पहले, क्या NCR इज इक्वल टू क्या होता है आपका NCN minus R, ओके, तो NC10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NCN minus 10, ओके, और ये किसके इक्विवेलेंट है, NC14 के, तो N minus 10 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 14, तो N इज इक्वल टू क्या हो गया 24, ठीक है, साइड चेंज हो गया, प्लस हो गया, और हमें क्या फाइंड करना है 25CN, तो 25C 24, और हम लोगों को क्या पता है कि NCN minus 1 क्या होता है, N के इक्विवेलेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ कमिटीज सच दैट ईच कमिटी इंक्लूड्स एटलीस्ट वन लेडी, ओके, ऐसे कमिटीज हमें बनाना है जिसमें एक लेडी हो ही हो, ठीक है, लेडी और जेंट्स, एक लेडी होगी तो जेंट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि 5 की कमिटी है तो जेंट्स हो गए आपके 4, अगर 2 लेडीज हुई तो जेंट्स 3, 3 लेडी हुई तो जेंट्स 2, और 4 लेडी हुई तो जेंट्स 1, 5 हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम कितनी है मेरे पास, 4 लेडीज हैं। अब इसको कैसे हम लोग चूज करेंगे, आपके पास 4 लेडी हैं उसमें से एक को लेना है, दैट इज इक्वल टू 4C1 इंटू 7 जेंट्स हैं उसमें से हमें क्या लेना है 4, तो 7C4, वैसे ही सबको कैलकुलेट कर लेंगे, 4C2 इंटू 7C3, 4C3 इंटू 7C2 एंड 4C4 इंटू 7C1, ओके, 4C4 क्या होता है आपका 1 इंटू 7C1 7, दैट इज इक्वल टू 7, ओके, वैसे ही 4C3 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू 6/2, कैंसिल हो गया 3, 21 इंटू 84, देन 4C2 मीन्स 4 इंटू 3/2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5/3 इंटू 2, 6 210, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5/3 इंटू 2, 35 इंटू 4, 140। अब इन सबका सम, इन 140 प्लस 210 प्लस 84 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू 441, यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, 28C2R इज इक्वल टू, इफ 28C2R is to 24C2R minus 4 is equal to 225 is to 11, then the value of R is, हमको क्या निकालना है, value of R निकालना है, और हमें दिया क्या गया है 28C2R/24C2R minus 4 is equal to 225/11, ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 28 minus 2R factorial into
2r फैक्टोरियल इन टू, अब डिनोमिनेटर में यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 24 फैक्टोरियल इन टू 24 माइनस 2r, और माइनस 4 है तो वो क्या हो जाएगा प्लस 4 फैक्टोरियल इन टू 2r माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 225:11। अब ये देखिए 24 प्लस 4 28 हो गया, 28 माइनस 2r फैक्टोरियल, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। 28 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल और 2r माइनस 4 फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2r इंटू 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3 इंटू 2r माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, और इंटू 24 फैक्टोरियल है, ये 24 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 225 इंटू 11। ओके 25 से ये कैंसिल होगा 9 टाइम्स में, ठीक है, और 9 से ये क्या हो जाएगा आपका 3। तो क्या आ गया आपके पास 2r इंटू 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 28 इंटू 3 इंटू 26 इंटू 11, ओके इंटू 11। इसको 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 2 लिख सकते हैं इंटू 3, 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपके पास 14, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, और ये किसके इक्विवेलेंट है आपके 2r इंटू 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3, ठीक है। तो अब देखिए 2r अगर 14 हम लोग ले लेते हैं तो 13 12, तो 2r इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 14, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 7, तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागन इज, ठीक है, और यहाँ फार्मूला दे दिया आपका क्या हाफ एन इंटू एन माइनस 3, यही आप याद रखिएगा हाफ एन इंटू एन माइनस 3, और डेकागन में कितने साइज होते हैं आपके 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2, से क्या हो गया 5, 5 इंटू 7 35, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ व्हिच 5 आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज, अब एक चीज देखिए ट्रायंगल के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए 3 पॉइंट्स चाहिए, और वो भी नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए, बट अगर ये 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट आएगा तो वो क्या होगा ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि ये पांचों पॉइंट क्या है कोलिनियर है, कोलिनियर में स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा अगर 3 पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे, तो टोटल कितने हो सकते हैं उसमें से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें ये 5 में से कोई 3 पॉइंट आ रहे हो तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो 12C3 माइनस 5C3 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ओके तो 6 से ये क्या हो गया आपका 220 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 210, तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 210। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेंड बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन इज, तो क्या होगा आपका 16 C2, कोई भी दो लाइन दो पॉइंट ले लीजिए आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा वो, 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 8, 15 इंटू 8 120, तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स, ठीक है कितने कैंडिडेट्स हैं 5 एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड, 3 इलेक्ट करना है, अब वोटर इज इंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्टेड कितने होंगे 3, तो इससे अधिक नहीं कर सकता है, द नंबर ऑफ वेज वोटर चूज टू वोट इज,
ठीक है, तो या तो हो सकता है वो एक ही को चूज करे, या दो को चूज करे, या तीन को चूज करे। ये वोटर के पास अल्टरनेटिव है, तो ये तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। मीन्स फाइव में से किसी एक को चूज कर ले, या फाइव में से दो को चूज कर ले, या फाइव में से तीन को चूज कर ले। तो 5C1 इज इक्वल टू 5 + 5 × 4/2 + 5 × 4/2। ठीक है, तो 5 + 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 25। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 13C। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। एवरी टू पर्सन शेक्स हैंड विथ ईच अदर इन अ पार्टी एंड द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66। द नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी इज, हैंडशेक के लिए क्या चाहिए, दो हैंड होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, NC2 इज इक्वल टू 66। ठीक है, तो n फैक्टोरियल बाई n − 2 × 2 इज इक्वल टू 66। n × n − 1 × n − 2 × 2 इज इक्वल टू 66। ये कैंसिल आउट हो गया आपका, तो n × n − 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 66 × 2 दैट इज इक्वल टू 132। और 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 × 11, तो n × n − 1, तो n क्या आ गया आपके पास 12। टोटल गेस्ट कितने हो गए आपके 12, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ सेट ऑफ फोर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हमको फोर पैरेलल लाइंस है और अनदर जो है वो थ्री सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस है। ओके, तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा वो कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं। तो हो सकता है ये लाइन और इस लाइन के बीच में हो जाए, ये और ये लाइन के बीच में हो जाए, या मीन्स ये चारों में से कोई दो लाइन हो जाए और ये तीनों में से कोई सा दो लाइन हो जाएगा, तो मेरा पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर, 4C2 × 3C2। 4C2 इज इक्वल टू 4 × 3/2 × 3C2 इज इक्वल टू 3, 3 × 9 = 18। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 18। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन इक्वली डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स इज। ठीक है, 12 स्टूडेंट हैं, तीन ग्रुप में डिवाइड करना है। ओके, फर्स्ट सेकंड थ्री। अब फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या होगा, 12 में से कोई चार। सेकेंड ग्रुप के लिए ये चार ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, तो 8C4। और थर्ड ग्रुप के लिए क्या हो गया, 4C4। ओके, 4C4। और ये तीनों ग्रुप में किसी में भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कर देंगे, क्योंकि ग्रुप्स इनडिफरेंट हैं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 12 × 11 × 10 × 9 / 4 × 3 × 2 × 8C4 means 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 4C4 क्या हो जाएगा आपका 1, और 3 फैक्टोरियल है तो 3 × 2। ओके, कैलकुलेटर पे आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऐसे भी देखेंगे तो आ जाएगा आपका। तो कैलकुलेट करने पे ये क्या आ जाएगा आपका, 5775। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 5775। क्वेश्चन नंबर 17। द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड एमंग 3 स्टूडेंट। ठीक है, तीन स्टूडेंट में बांटना है, 15 मैंगो है तो कितने वेज में हो सकता है, 15 फैक्टोरियल। और वो पांचों मैंगो क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, पांचों मैंगो आपस में आइडेंटिकल हैं, हम लोग क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का क्यूब। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
8 points are marked on the circumference of a circle. The number of chords obtained by joining this in pairs is, chords क्या होगा, 2 point जो circumference पे होगा उसको मिलाने से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8C2 means 8 into 7 by 2 that is equal to 28. तो option C जो होगा वो मेरा क्या होगा, correct answer होगा 28. Next is 19. A committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. Mrs. X refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member. The number of such committees is. ठीक है, अब यहां देखिए मेरे पास क्या है, 8 total lady हैं और 7 gents हैं, और कमिटी जो हमें फॉर्म करना है वो क्या है, 3 लेडी और 4 जेंट्स का फॉर्म करना है. तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कमिटीज निकाल लेते हैं कि कितने फॉर्म हो सकते हैं, कितने अलग अलग, और उसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें कि जिसमें मिस्टर वाई और मिस्टर मिसेज एक्स एक साथ हों तो मेरा काम हो जाएगा. ठीक है, तो पहले टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, 8C3 इंटू 7C4. अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमको, 8 लेडीज में मिसेज एक्स जो है वो रहेंगी कमिटी में, तो बचे कितने, 7 लेडीज. ठीक है, और उसमें से मुझे क्या चूज करना है, 2. वैसे ही 7 जेंट्स में से मिसेज मिस्टर वाई रहेंगे तो क्या हो गया, 6 जेंट्स में से मुझे कितना चूज करना है, 6C3. ठीक है, क्लियर है सब लोग. 8 × 7 × 6 × 3 × 2 × क्या हो जाएगा आपका, 7 × 6 × 5 / 3 × 2 − 7 × 6 / 2 × 6 × 5 × 4 / 3 × 2. कैंसिल. तो क्या आ गया आपके पास, 56 × 35 − 221 × 20 that is equal to 1960 − 420 that is equal to 1540. तो ऑप्शन डी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1540. क्लियर है सबको. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. इफ 500C92 इज इक्वल टू 499C92 प्लस NC91 देन N इज, हमें फॉर्मूला क्या पता है, NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर. अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, 499C92 प्लस एन सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 91 को 92 माइनस वन, और यहाँ क्या है आपके पास, 500C92. अब इसमें आप देख के बता सकते हैं कि ये एन क्या होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए इस फॉर्मूला से, 499 तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 499. तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट. द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव अ मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट इज. अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल डिसीजन कितने थे आपके, 6 + 3 मीन्स 9 डिसीजन. ओके, अब मेजोरिटी होने के लिए 9 का हाफ से अधिक होना चाहिए, मीन्स 5 डिसीजन भी फेवर में हो जाए तो भी हो जाएगा, 6 डिसीजन भी फेवर में हो जाए तो भी हो जाएगा, 7 डिसीजन हो जाए तो भी हो जाएगा, 8 डिसीजन हो जाए तो भी हो जाएगा, और 9 डिसीजन हो जाए तो भी हो जाएगा. मीन्स 9C5 प्लस 9C6 प्लस 9C7 प्लस 9C8 प्लस 9C9. ओके, दैट इज इक्वल टू 9 × 8 × 7 × 6 × 3 × 2 + 9 × 8 × 7 × 3 × 2 9 × 8 / 2 + 9 + 1. Okay, that is equal to 126 + 84 + 36 + 9 + 1 that is equal to 256. तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 256.
क्वेश्चन नंबर 22, फाइव बल्ब्स ऑफ विच थ्री आर डिफेक्टिव आर टू बी ट्राइड इन टू बल्ब पॉइंट्स इन अ डार्क रूम, द नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटेड इज, ठीक है। अब पांच बल्ब है, उसमें से क्या है, थ्री डिफेक्टिव है, मीन्स टू क्या है, गुड बल्ब्स हैं। अब रूम लाइट अप होने के लिए कोई एक लाइट भी जल जाएगा मेरा तो काम हो जाएगा, ठीक है। मीन्स एक डिफेक्टिव भी रहे और दूसरा गुड रहे तो भी जल जाएगा, या दोनों गुड हो जाए तो भी रूम लाइट अप हो जाएगा। तो एक डिफेक्टिव के लिए क्या हो गया आपके पास, 3C1 इंटू 2C1, और वैसे ही दोनों गुड के लिए क्या हो गया आपके पास, 2C2, मीन्स 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 और 1। तो टोटल आपके पास क्या आ गया, रूम लाइट अप होने के ट्रायल 6+1 दैट इज इक्वल टू 7। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे एग्जाम एंड यू। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, डाउट है या सजेशंस है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।